स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला, नीरज और मेरे बीच हो रहा है ये मुकाबला। और देखिए पिच रिपोर्ट किस तरह के संकेत दे रही है। यूएस में बिल्कुल मिले जुले संकेत थे, आप देखिए फ्लैटिश से वहां पर बंद हुआ है। नैसडैक जरूर थोड़ा सा लाल निशान में, लेकिन कोई खराब संकेत नहीं आप कह सकते हैं। इवन इस समय एशियाई मार्केट देखिए, और एशियाई मार्केट के दो दिन के संकेत अगर आप जोड़कर देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे लगेंगे। जी हाँ, कल 200 पॉइंट हांगकांग ऊपर जाकर बंद हुआ था जब भारतीय बाजार बंद थे, और आज भी देखिए हांगकांग की मजबूती बरकरार है। तो उस लिहाज से SG50 और थोड़ा मजबूती के साथ आज खुलना चाहिए और अच्छी तेजी देखने को मिलनी चाहिए। लेकिन आप देखिए बाकी के मार्केट्स किस तरह से प्रदर्शन दिखा रहे हैं। स्ट्रेट टाइम्स, कोरिया, ये तमाम बाजार भी हरे निशान के साथ इस समय कारोबार करते हैं। तो ग्लोबल संकेतों में दिक्कत नहीं है, इसलिए मेरे सेलेक्टर्स को लगता है बल्लेबाजी का ही ध्यान रखना चाहिए। तेजी के 10 स्टॉक्स मैंने उतारे, नीरज आपके कितने हैं बताइए। देखिए बल्लेबाजी पे तो फोकस ज्यादा रहेगा, एक आध सेल साइड का स्टॉक हो सकता है, खबरों वाले उस पर कोई फंडामेंटल दिक्कत नहीं है। अमरीकी बाजारों में भी अगर कोई बुरी खबर नहीं तो हमारे लिए अच्छी खबर है, और क्रूड तो लगातार नीचे बना हुआ है तो वो भी एक पॉजिटिव खबर है। तो सिलेक्टर्स को ऐसा लगता है कि खरीदारी में ज़्यादा फायदा है, और एक्सपायरी का वीक जो कुछ लोगों ने पोजीशन काटी वो थोड़ी शॉर्ट कवरिंग भी आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन शुरुआत में एक सेल यानी गेंदबाज से करूँगा, और वो गेंदबाज है डॉक्टर रेड्डीज। वो इसलिए क्योंकि इन्होंने जो अपनी एक फाइलिंग दी है यूएस सिक्योरिटीज़ में, उसमें इन्होंने कहा है कि अगर ओबामा केयर को नए हेल्थ केयर बिल से रिप्लेस किया जाता है तो कंपनी के फाइनेंशियल्स पे इम्पैक्ट आ सकता है, उससे दिक्कत हो सकती है। आपको याद होगा पिछले दिनों ही हमने आपको बताया था कि वहाँ के रिपब्लिकन्स ने एक नया बिल पेश किया है जिसमें ओबामा केयर को रिप्लेस करने की बात कही गई है। काफ़ी विवाद चल रहा है उसमें, लेकिन एक नया बिल फिर से रखा गया है, और ट्रंप का पूरा जोर है कि ओबामा केयर को रिप्लेस करके एक नया बिल उसमें लगाया जाए। अगर ऐसा होता है तो डॉक्टर रेड्डीज जो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि इससे इनको दिक्कत हो सकती है, इनकी बैलेंस शीट पे इम्पैक्ट आ सकता है, और यूएस बहुत बड़ा मार्केट है तमाम भारतीय फार्मा कंपनियों के लिए और रेड्डी के लिए खास तौर पे। तो इसलिए सेक्टर्स को लगता है कि इसमें थोड़ा सा दबाव आज जरूर देखने को मिलेगा। 2600 के लक्ष्य के साथ बेच के चले, 2655 के स्टॉप लॉस। ये लॉन्ग वीकेंड था, लिकर सेक्टर की सेल्स काफी हुई है, मौसम भी देखिए बहुत ही कह सकते हैं बढ़िया हो गया, तो आज लिकर सेक्टर फोकस में रहने वाला है। ग्लोबल स्प्रिट से शुरुआत करेंगे। अच्छा, गोल्डमैन सैक्स ने यूनाइटेड स्प्रिट्स के ऊपर क्या एग्रेसिव टारगेट्स आज सुझाए हैं देखिए। तो ये पूरा का पूरा स्पेस, या फिर यूनाइटेड स्प्रिट्स हो, यूनाइटेड ब्रूरीज हो, ग्लोबल स्प्रिट हो, यहाँ पर एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। पायनियर डिस्टिलरीज आज इसलिए नहीं उतार रहे हैं क्योंकि वो ट्रेड टू ट्रेड में इतनी अच्छी तेजी के बाद पहुँच गया है, वरना उसके ऊपर भी बुलिश थे हमारे सिलेक्टर्स। तो अब उसी तरह की तेजी आपको ग्लोबल स्पिरिट में उम्मीद करनी चाहिए बनती हुई। अच्छा, एक और खबर आई है पॉजिटिव, वो ये है कि पंजाब में जो रेस्टोरेंट्स हैं, बार्स हैं, वहाँ पर लिकर देखिए वापस से बिकनी हाईवेज पर शुरू हो चुकी है। ये एक पॉजिटिव खबर इस सेक्टर को और बूस्ट करने वाली होगी, तो यहाँ पर तेजी करनी चाहिए। 73 के टारगेट्स के साथ अप्रोच करें, 67 का एक स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। अगले दो स्टॉक एमएन छोटे छोटे सरकारी बैंक में एक साथ बताऊंगा, देना बैंक और विजया बैंक। इन दोनों में खबर अब ये निकल के आ रही, वीकेंड के दौरान ये खबर बड़ी प्रोमिनेंटली छपी कि सरकार जो कंसोलिडेशन करना चाहती है, उसका इरादा है कि 3-4 बड़े बैंक बनाए, उसके तहत वो छोटे छोटे बैंकों को पहले आपस में विलय करना चाहती है। तो विजया बैंक और देना बैंक को ऐसा सोर्स बता रहे हैं, कहा गया है कि आपस में वो लोग विलय के प्रोसेस शुरू करें, उसके बाद इन दोनों बैंकों को केनरा बैंक के साथ मर्ज किया जाएगा। ऐसे तमाम प्रोसेस चल रहे हैं, तो सिलेक्टर्स को लगता है कि जो ये कोशिश चल रही है उसमें जो छोटे छोटे बैंक हैं जो बहुत दिक्कतों में हैं उनको एक्चुअली फ़ायदा होगा। केनरा को हो सकता है थोड़ा उतना फ़ायदा ना हो, लेकिन ये जो छोटे छोटे बैंक हैं जहाँ पर ये प्रोसेस चल रहा है उससे इनको फ़ायदा हो सकता है। इसलिए सिलेक्टर्स को लगता है कि आज ट्रेड में इनको खरीदारी की जा सकती है सिर्फ ट्रेडिंग के लिहाज से। देना बैंक में 36 रुपये का लक्ष्य लेकर खरीदारी करें, 33 पर स्टॉप लॉस, और विजया बैंक में 79 का लक्ष्य होना चाहिए, 73 पर स्टॉप लॉस। SREI इंफ्रा, इसके ऊपर सिलेक्टर्स काफी बुलिश हैं। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा, अब तक इसने अच्छा प्रदर्शन नहीं दिखाया, लेकिन उम्मीद यही है कि ये सेक्टर सॉलिड परफॉर्मेंस दिखा सकता है। लेकिन SREI इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को लेंड करने का काम करती है, फाइनेंस करने का काम करती है, इस स्टॉक ने तो देखिए बढ़िया प्रदर्शन दिखाया, आप सब जानते हैं, और मेरे सिलेक्टर्स को लगता है ये परफॉर्मेंस आगे जारी रह सकती है। इस सीरीज के बाद जो नई सीरीज शुरू होने वाली है 30 जून से, जुलाई सीरीज जो शुरू होगी उसमें ये शेयर FNO में भी शामिल हो जाएगा, तो यहाँ पर अब ट्रेडर्स भी और ज़्यादा एक्टिव होते हुए नजर आएंगे। वैसे इस समय भी एक्टिव हैं, लेकिन ना ये वो स्टॉक है जो अच्छी तेजी आज के सत्र में भी दिखा सकता है। देखिए 5 नए शेयर FNO में शामिल हो रहे हैं, और ये सूची ओवर द वीकेंड निकल कर आई है, तो आज वो
पांच स्टॉक्स फोकस में रहेंगे और कौन से शेयर हैं फोकस में ये जानने के लिए नीरज आपको बताएंगे। नीरज ने भी कुछ शेयर उस सूची में से चुने हैं। मैंने जो चुना है वो एसआरआई इंफ्रास्ट्रक्चर चुना है। नीरज आपके बाकी देखिए मैंने दो उसमें से चुने हैं, एक चेन्नई पेट्रोलियम और दूसरा मन्नापुरम फाइनेंस है। दोनों ही शेयर 30 जून से यानी नई सीरीज से फ्यूचर्स में शामिल हो जाएंगे। सेलेक्टर्स को लगता है कि इन दोनों में अच्छी तेजी बनेगी और चेन्नई पेट्रोल आउट परफॉर्मर रहा है। ये इस सेगमेंट में भी एक कंसोलिडेशन की बात चल रही है कि HPCL का ONGC के साथ मर्जर होगा, इंडियन ऑयल के साथ ऑयल इंडिया का मर्जर होगा और चेन्नई पेट्रो उसकी सब्सिडरी है तो वो भी उसी में मर्ज होगी। कई बार ऑन रिकॉर्ड ये वहाँ के चेयरमैन साहब कह चुके हैं, संजीव सिंह जो नए चेयरमैन हैं उन्होंने भी कहा है कि हो नहीं सकता कि चेन्नई पेट्रोलियम अलग यूनिट की तरह है, उसको एक न दिन मर्ज होना है। तो सेलेक्टर्स को लगता है कि यहाँ पे एक कंसोलिडेशन का फायदा ही और FNO में शामिल होने से ज़्यादा अच्छी पोजीशंस लोग बना पाते हैं, ज़्यादा अच्छे ट्रेड हो पाते हैं बड़ी मात्रा में। तो सेलेक्टर्स को लगता है चेन्नई पेट्रोलियम और मन्नापुरम फाइनेंस में भी तेज़ी बन सकती है क्योंकि ये भी फ्यूचर्स में शामिल हो गया, तो यहाँ पे भी ट्रेडर्स का इंटरेस्ट ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ पे ट्रेड करना आसान होगा। 102 का लक्ष्य 93 का स्टॉप लॉस। वालचंद नगर ये होगा अगला शेयर जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ नरेंद्र मोदी जी की मुलाकात हुई है वो काफ़ी अच्छी मानी जा रही है, पॉजिटिव मानी जा रही है, तो उसके चलते डिफेंस स्टॉक्स फोकस में आज के दिन रह सकते हैं और उसमें वालचंद नगर हमें पसंद है। 175 के टारगेट्स के साथ आपको अप्रोच करना चाहिए। दोनों ही लोगों ने बहुत ही बढ़िया बयान दिए हैं, टेररिज्म के खिलाफ एक साथ खड़े होकर लड़ने की बात उन्होंने कही है। तो डिफेंस सेक्टर जनरली जब भी आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विजिट होती है अमेरिका में तो ये सेक्टर फोकस में रहता ही है, तो ये स्टॉक पर आज आपकी नज़र होनी चाहिए। 165 का एक स्टॉप लॉस भी ज़रूर रखना चाहिए। दो एयरलाइन है जिस पर सेलेक्टर्स काफ़ी बुलिश हैं और काफ़ी समय से बुलिश हैं, वो है स्पाइस जेट और जेट एयरवेज। दोनों ही अच्छा प्रदर्शन आज फिर दिखा सकती हैं। देखिए कच्चे तेल में कोई रिकवरी के संकेत नहीं है, तेज़ी से ये नीचे फिसल रहा है, उछाल होती है छोटी मोटी फिर वहाँ पर ट्रेडर्स बेचकर चलते हैं और कच्चे तेल का नीचे रहना इन कंपनियों की सेहत के लिए काफ़ी ज़रूरी है और महत्वपूर्ण भी है। और आप देखिए पिछले क्वार्टर के नंबर्स में ये साफ नज़र आया था, जब कच्चे तेल में उछाल देखने को मिला था तो इनके मार्जिन्स पर थोड़ा प्रेशर बना था, अब वो फिर से सुधरते हुए नज़र आएंगे। और इस देश में जिस तरह से एयरपोर्ट्स का नए नए बनाने की बातचीत हो रही है, वो तो वीकेंड भी आप देखिए नोएडा में एक नया एयरपोर्ट खड़ा करने के लिए अनाउंसमेंट आया है, ये तमाम फैक्टर्स हैं जो इन कंपनियों के टॉप लाइन बॉटम लाइन को बूस्ट करने वाले हैं। तो जेट एयरवेज में 575 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। स्पाइस जेट पर भी नजर रखिएगा, ये एक ऐसी एयरलाइन है जो पिछले 2 साल से लगातार प्रॉफिटेबल है और देखिए क्या अच्छा प्रदर्शन भी दिखा रही है। 135 के टारगेट्स यहां पर भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन आइए अब जानते हैं आज का मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक कौन सा है। औरबिंदो फार्मा को डिपेंडेबल के तौर पर चुना है और वो इसलिए चुना है क्योंकि USFDA ने इनकी एक यूनिट 7 है जिसको इंस्पेक्ट किया, जिसकी जांच करी और उसमें 0 ऑब्जर्वेशंस मिले, यानी उसमें कोई उनको दिक्कत नहीं मिली है। सेलेक्टर्स को लगता है कि ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है क्योंकि जो इनकी यूनिट 7 है वो लार्जेस्ट फैसिलिटी है, यानी अरबिंदो फार्मा की सबसे बड़ी जो फैक्ट्री कह सकते हैं प्लांट वो यही है और उसके इंस्पेक्शन में कोई दिक्कत नहीं मिली, कोई ऑब्जर्वेशंस नहीं है, तो ये एक बड़ा पॉजिटिव है। इसके लिए खरीदारी सलाह होगी। 690 के लक्ष्य के साथ लॉन्ग पोजीशन बनाए, 665 पे स्टॉप कर सकते हैं। जेफरी ने 780 का लक्ष्य इसके लिए सुझाया, तो आज ये स्टॉक तो देखिए फार्मा सेक्टर में धमाल दिखाने वाला है, लेकिन V2 रिटेल जैसे स्टॉक्स भी अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाले हैं। इसको डिपेंडेबल का दर्जा दिया है। देखिए इस सेगमेंट में नॉर्थ में सबसे ज़्यादा प्रेजेंस अगर किसी एक रिटेल चेन का है तो V2 रिटेल का, आप सब जानते हैं ईद के चलते कहिए, अच्छा GST के प्री जिस तरह से सेल लगी हुई है उसके चलते कहिए, देखिए सेल्स काफ़ी बूस्ट होने वाली है, इन तमाम रिटेल कंपनियों की अच्छी तेज़ी देखने को मिलने वाली है और जिस तरह से ये डिस्काउंट्स दे रही हैं, देखिए ये कंपनियाँ जो हैं इनके पास स्पेस है और ब्रांड है और यहाँ आकर अलग अलग कंपनियाँ अपना माल बेचती हैं, तो आप कह सकते हैं इनको नुकसान नहीं होने वाला, ये तो उतना पैसा लेने ही वाली हैं, लेकिन जो बाकी कंपनियाँ हैं जिनसे ये जो इस समय सेल लगा रही हैं उनको दरअसल थोड़ा सा मार्जिन पर हिट लेना पड़ेगा। लेकिन ये तमाम कंपनियाँ हैं B2 रिटेल जैसी कंपनियाँ और दूसरी रिटेल चेन जिनमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिलने वाली है। 267 तक के टारगेट्स के साथ अप्रोच करें, 248 का एक स्टॉप लॉस भी आपको रख लेना चाहिए। इस नोट पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे बाकी के मिडिल ऑर्डर के हम दोनों के स्टॉक्स कौन से, आज का पिंच हिटर स्टॉक भी बताएंगे और आज का फ्री हिट शेयर भी।
स्वागत है एक बार फिर से आपका स्टॉक 2020 में। और दोनों ही टीमों में हमने 6-6 शेयर्स देख लिए। सातवां शेयर मेरी टीम को होगा स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज। और इनके लिए एक अच्छी खबर यह है कि आंध्र प्रदेश के काकीनाड़ा शहर को जो स्मार्ट सिटी के तौर पर चुना गया है, काकीनाड़ा ने स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज को अपने लिए एक सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर चुना है, जो एंड टू एंड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस, जो वायरिंग सॉल्यूशंस हैं, ये उनको प्रोवाइड कराएंगे। कंपनी ने ये बाकायदा एक्सचेंज को जो नोटिस दी है कि अगले 6 साल में उनको ये पूरे शहर के लिए ये काम करना है, जो काफ़ी बड़ा एक ऑर्डर है। हालांकि अभी ऑर्डर साइज़ डिसाइड नहीं हुआ क्योंकि प्रिलिमिनरी भी केवल सिलेक्शन हुआ है, तो ये बहुत पॉजिटिव स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज के लिए। अगला स्टॉक भी इसी में बता दूँ, वीटो स्विच गियर, एक और इलेक्ट्रिकल कंपनी है। इसको भी एक 6 लाख LED हर साल सप्लाई करने के लिए मल्टी ईयर का एक बड़ा ऑर्डर इनके हाथ लगा है। ऑर्डर इतना बड़ा है, कंपनी इसके लिए एक फैक्ट्री अपनी लगाने जा रही है और उसका मानना है कि 30 करोड़ रुपए सालाना के टर्नओवर उस फैक्ट्री से कर पाएंगे इस LED की वजह से। साथ ही 170 रुपए के भाव पर 45 लाख वारंट जारी करने जा रही कंपनी। सेक्टर्स को लगता है ये काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं और इसके चलते स्टॉक में तेजी कर सकती है। 200 का लक्ष्य चाहिए, 184 का स्टॉक। चलिए तो मैं भी आपको दो स्टॉक्स मिडिल ऑर्डर के एक साथ बताता हूँ। पहला तो JP इंफ्रा, इसके ऊपर रखिएगा नजर। देखिए JP ग्रुप में आपने देखा किस तरह का एक्शन देखने को मिल रहा है। एक्सपेक्टेशन ये की जा रही है कि JP ग्रुप में JP एसोसिएट्स के जो कर्ज है उसको रिस्ट्रक्चर हो जाएंगे। और उस सब के चलते देखिए JP ग्रुप तो फोकस में है ही। JP इंफ्रा के लिए अच्छी खबर ये भी आई है कि ग्रेटर नोएडा में एक नया एयरपोर्ट लग रहा है, तो इनके पास आपको पता है काफ़ी सारी लैंड बैंक है जिसको ये डेवलप करना चाहते थे और वहाँ पर बड़ा फ़ायदा कमाने की योजना थी कंपनी की, लेकिन वो हो नहीं सका। लेकिन अब जिस तरह से वहाँ पर एक नया एयरपोर्ट आ रहा है तो जाहिर सी बात है लैंड के प्राइसेस बढ़ते हुए नजर आएंगे और अब जो लैंडर्स हैं वो उस लैंड को बेच सकेंगे, ये आप कह सकते हैं। तो JP इंफ्रा में 14 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। मफतलाल इंडस्ट्रीज पर रखिएगा नज़र। देखिए ये पूरा का पूरा ग्रुप जो है ये सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाला ग्रुप आज के दिन हो सकता है। और भी कंपनियां मैं आपको इनके ग्रुप की बताना चाहूँगा, मफतलाल, नवीन फ्लोरीन, ये तमाम नोसिल, ये तमाम ऐसे कंपनियां हैं जो इनके ग्रुप में हैं। और देखिए नवीन फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग कंपनी है और उसमें मफतलाल शेयर्स बेचने के लिए बोर्ड की मंजूरी ले लिया है और उसमें करीब करीब 33 करोड़ रुपए इनके हाथ लगेंगे, तो ये मफतलाल के लिए पॉजिटिव होगा। ये रिस्ट्रक्चरिंग चल रही है, देखिए ग्रुप में होल्डिंग को क्लीन करने की कोशिश हो रही है और ग्रुप तो बहुत जाना माना और बढ़िया ग्रुप है ये, आप जानते ही हैं। 275 तक के टारगेट्स के साथ मफतलाल में आप आज ट्रेड ले सकते हैं। 260 के आसपास एक स्टॉप लॉस पे आपको जरूर रखना चाहिए। लेकिन आज का फ्री हिट शेयर कौन सा, आइए जानते हैं नीरज से। देखिए फ्री हिट के तौर पे एक ग्लासवेयर कंपनी लाओपाला गुलियर्स के बोर्ड ने, यानी कंपनी के जो शेयर होल्डर्स ने उन पहले अप्रूव किया, फिर बोर्ड ने कि इसके FII लिमिट 24 से बढ़ा के 35% कर दी जाएगी, तो ज़्यादा हेडरूम बनता है खरीदारी के लिए, FIIs के लिए, तो वो एक अच्छा है। सेक्टोरली काफ़ी बढ़िया आउटलुक दिख रहा है। तो याद होगा इससे पहले बोरोसिल ने जो बहुत शानदार नतीजे पेश किए थे उसके बाद से स्टॉक डबल हो चुका है। सेक्टर सोचता है कि जो सेक्टोरल आउटलुक है शायद वही वजह होगी कि यहाँ पे और जो हेडरूम मिल रहा है। तो 535 के लक्ष्य के साथ खरीदारी करें, 510 पे स्टॉप लॉस। LT फूड होगा मेरा फ्री हिट शेयर। देखिए नीदरलैंड्स में जाकर इस कंपनी ने एक नया जो प्लांट है उसकी शुरुआत करी है और ये वो ऐसा स्टॉक है चावल सेक्टर से जो बढ़िया प्रदर्शन दिखाई रहा है, तो आज खबरों के चलते ये अच्छी तेजी दिखा सकता है। 69 तक के टारगेट्स के साथ इसे अप्रोच करें, 63 का स्टॉप लॉस भी आपको रख लेना चाहिए। आइए जानते हैं आज का पिंच हिटर स्टॉक कौन सा, नीरज बताइए किसे चुना है। देखिए JPS, आपने JP इंफ्रा लिया तो मैंने JP स्ट्रीट्स लिया क्योंकि उसमें बहुत अच्छी एक रैली बनी है। जब से उनका वो डेट रिकास्ट वाला प्रपोजल बैंकों ने स्वीकार कर लिया तब से उसमें बड़ी तेजी बन रही है और वो स्टॉक वहाँ से ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा हो चुका है। सेक्टर को लगता है कि इतना बड़ा मोमेंटम बिना किसी ठोस कारण के हो नहीं सकता, तो इसलिए अभी थोड़ी और तेजी गुंजाइश बनती है। 20 रुपए के लक्ष्य के साथ खरीदारी करें, 1850 पे स्टॉप लॉस। नोसिल होगा मेरा पिंच हिटर स्टॉक। आपको याद होगा पिछले हफ्ते भी मैंने इसको अपनी टीम में शामिल किया था और आपसे कहा था इसको खरीद कर रख लीजिए, बहुत अच्छी खबरें आने वाली हैं। और देखिए खबरें ओवर द वीकेंड आ गई हैं, 141 करोड़ रुपए कंपनी के हाथ लगेंगे नवीन फ्लोरीन के शेयर बेचकर। तो एक तो इस कंपनी के पास वैसे ही काफ़ी सारा कैश था, करीब करीब 121 करोड़ रुपए कैश था, 141 करोड़ रुपए और आएगा, तो आप समझ सकते हैं जिस तरह से कैश पर ये बैठी है तो उम्मीद हो जाएगी किस तरह के डिविडेंड्स देती है कंपनी या फिर बायबैक करती है। तो ये ग्रुप देखिए फोकस में रहने वाला है। मफतलाल इंडस्ट्रीज को हमने चुना था अभी मिडिल ऑर्डर में, नोसिल को यहाँ पर चुना है और नवीन फ्लोरीन तो
हमारा ऑल टाइम फेवरेट रहा ही है। दो हफ्ते पहले भी हम आपसे कह रहे थे सरकार ने जिस तरह से एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है कुछ फ्लोरिन के ऊपर, आपको याद होगा तब नवीन फ्लोरिन को चुना था, तो ये पूरा ग्रुप जो है वो अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। 120 के टारगेट्स के साथ नोसिल को आज आप अप्रोच कर सकते हैं। रबड़ केमिकल बनाने की कामकाज करती है कंपनी और अपने ही सेक्टर में सबसे अव्वल है आप कह सकते हैं, और कच्चे तेल में जिस तरह से कमजोरी देखने को मिल रही है उसका फायदा भी नोसिल जैसी कंपनियों को मिलेगा। 109 के स्टॉप लॉस के साथ यहां पर लॉन्ग पोजीशंस बनाइए। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कैप्टन्स चॉइस कौन सा है और एक क्विक रीकैप भी देंगे दोनों ही टीम्स का। सभी का सीएनबीसी आवाज पर, आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला और ये रही टीम आपके सामने। नीरज बताइए कैप्टन्स चॉइस का दर्जा किसे देंगे आप? देखिए ग्लोबस स्पिरिट को दूंगा, और जो पंजाब सरकार की तरफ से फैसला हुआ है लगातार ऐसा लग रहा है कि जो शराबबंदी के खिलाफ एक मुहिम चली थी वो धीरे धीरे लूज होती जा रही, तो यहाँ पे ग्लोबस स्पिरिट की तेजी बन सकती है, 73 लक्ष्य हासिल हो सकता है। मेरी टीम पर नजर डालिए, यहाँ पे एक गेंदबाज और 9 बल्लेबाज हैं, कौन सा पसंद है? बल्लेबाजों के ऊपर ही फोकस करेंगे और काफी सारे बेहतरीन बल्लेबाज हैं, लेकिन औरोबिंदो फार्मा में जिस तरह से पॉजिटिव खबरें आई हैं, आपने डिपेंडेबल का दर्जा दिया है, डिपेंडेबल फ्रीड पिंच हिटर तो वैसे भी अच्छा प्रदर्शन दिखाते हैं और बड़े ब्रोकरेज हाउसेस ने ऊंचे ऊंचे लक्ष्य सजाए हैं, तो यहाँ पर आज अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। मेरी पूरी टीम पर नजर डालिए, फिर से 10 के 10 बल्लेबाजों पर ही भरोसा किया है, ग्लोबल स्प्रिट जैसी कंपनियों को फायदा होगा। पंजाब में जिस तरह से हाईवेज के ऊपर रेस्टोरेंट्स में लिकर सर्व करने की इजाज़त मिली है, एसआरईआई इंफ्रास्ट्रक्चर अगली सीरीज से एफएनओ में शामिल हो रहा है, यहाँ पर तेजी बन सकती है। वालचंद नगर, पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से मिले हैं और वहाँ से पॉजिटिव बातें निकल कर आई हैं उसका प्ले है। साथ ही स्पाइसजेट और जेट एयरवेज पर भी नजर रखिए, यहाँ पर अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। देश में नए एयरपोर्ट्स खुलने का भी ऐलान हुआ है नोएडा में, V2 रिटेल में भी अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। सेल्स जिस तरह से GST से पहले बढ़ती हुई नजर आ रही है और बड़े बड़े डिस्काउंट्स पर ये कंपनियां सेल्स लगा रही हैं उसका फायदा मिलेगा। JP इंफ्रा को भी अच्छी तेजी की उम्मीद की जा रही है। मफतलाल इंडस्ट्रीज और नोसिल इस ग्रुप के ऊपर रखिएगा नजर, अच्छी खासी तेजी यहाँ पर देखने को मिलेगी क्योंकि काफ़ी सारी रिस्ट्रक्चरिंग कर रही है। मफतलाल नवीन फ्लोरिन में शेयर बेच रहे हैं, नोसिल भी शेयर बेच रहे हैं और काफ़ी का सारा कैश इनके बैलेंस शीट पर आने वाला है। LT फूड्स पर भी रखिएगा नज़र, यहाँ पर नीदरलैंड में इन्होंने अपनी एक नई यूनिट खोली है इसीलिए इसको आज फ्री हिट का दर्जा दिया है। खरीदारी पर फोकस है लेकिन शुरुआत डॉक्टर रेड्डीज में बिकवाली करें क्योंकि इन्होंने अपनी US फाइलिंग में माना है कि ओबामा केयर अगर रिप्लेस होता तो दिक्कत हो सकती है, फाइनेंशियल इंपैक्ट आएगा। देना बैंक और विजया बैंक मर्जर की बात चल रही है, इस वजह से खरीदारी हो सकती है। यहाँ पे चेन्नई पेट्रो और मन्नापुरम फाइनेंस फ्यूचर एंड ऑप्शंस के ट्रेड में आ गए हैं नई सीरीज यानी 30 जून से, तो यहाँ पे भी एक मोमेंटम देखने को मिलेगा। अरविंदो फार्मा की यूनिट 7 भी के USFDA इंस्पेक्शन में कोई ऑब्जर्वेशन नहीं मिला, ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज को काकीनाड़ा स्मार्ट सिटी के लिए मल्टी ईयर यानी 6 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिला। वीटो स्विच गियर को भी LED सप्लाई का एक बड़ा ऑर्डर मिला है, तो दोनों ही पॉजिटिव खबरें हैं। लावपाला यहाँ पे FII लिमिट 24 से बढ़ा के 35% करने को मंजूरी दी और साथ ही जयप्रकाश एसोसिएट का मोमेंटम है उसको देखते हुए खरीदारी की सलाह है। ऑलराइट चलिए तो इन शेयरों पर रखिए नजर, ये आपको इंट्राडे में अच्छा मुनाफा कमा कर दे सकते हैं, लेकिन निफ्टी में क्या स्ट्रेटजी हो, बैंक निफ्टी में क्या स्ट्रेटजी हो, एक्सपायरी कहाँ होगी, ये सब सवाल तो होंगे आपके जहन में, इन सब के जवाब देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ जुड़ेगा और लेकर आएंगे मार्केट काउंटडाउन।